अस्सलाम वालेकुम क्लास थ्री स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट साइंस से हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था मैटर हैज़ मास, मैटर का कोई मास होता है जिसके लिए मैंने आप लोग को बताया था कि हम जो है वो मास बैलेंस, सिंपल मास बैलेंस को यूज़ करते हैं या फिर डिजिटल मास बैलेंस को यूज़ करते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मास क्या होता है, कोई भी चीज़ कितनी मकदार में है, कितनी क्वांटिटी में है, उसको बेसिकली डिफ़ाइन करने के लिए जो है वो मास उसे कहा जाता है। ठीक है, आज हमने पढ़ना है मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस, मैटर सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, मैंने आप लोग को लास्ट टाइम भी बताया था कि हर वो चीज़ जिसका वेट हो और जो कोई ना कोई जगह घेर रही हो उसे मैटर कहते हैं। ठीक है, ऑक्यूपाई स्पेस मतलब होता है जगह घेरना, इसका मतलब मैटर जगह घेरता है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं मेरे सामने, यहाँ एक बुक है, बुक रखी हुई है। ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक वेट भी होगा और इसे टेबल पर इतनी सारी जगह को भी ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक मैटर है। ठीक है, तो मैटर का मास तो होता ही है, साथ ही साथ मैटर जो है वो जगह भी घेरता है। अब मैटर कितनी अमाउंट में कितनी जगह को घेर रहा है उसको कहते हैं वॉल्यूम, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैटर जो है कोई भी मैटर जो है उसका मास होने के साथ साथ वो कितनी जगह घेर रहा है ये कहलाता है उसका वॉल्यूम, क्या कहलाता है, वॉल्यूम। आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे ये पेज है मेरे पास। ठीक है, वैसे तो ये बहुत लाइट इन वेट है, वजन में हल्का है, लेकिन क्या है कि इसका कुछ ना कुछ इसका वेट है और इसने ये सारी जगह को घेर लिया। ठीक है, इससे जगह को ऑक्यूपाई कर लिया। अब ये क्या कहलाएगा, इसने जितनी जगह को घेरा है वो इसका वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, मैटर ने कितनी जगह को घेरा है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। मिसाल के तौर पर मैंने एक ग्लास लिया, ग्लास के अंदर पानी आधा ग्लास फिल कर दिया। ठीक है, अब ग्लास में पानी ने कितनी जगह घेरी वो उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड इन क्यूबिक सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हमारे स्केल पर लाइंस होती है ना, cm लिखा हुआ होता है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर क्या होगा, जब सेंटीमीटर के ऊपर छोटा सा 3 यानी कि ये क्यूब का सिंबल बन जाएगा तो हम इसे कहेंगे सेंटीमीटर क्यूब। क्या कहेंगे, अगेन सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको हाईलाइट या अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि जब मैं लाइव सेशन लूँगी तब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँगी। ठीक है, वॉल्यूम को हम किस में मेजर करते हैं, किसी भी जगह ने कितना किसी भी मैटर ने कितनी जगह घेरी है उसको हम मेजर करते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर्स में। किस में मेजर करते हैं हम, क्यूबिक सेंटीमीटर में। ठीक है, किसी भी मैटर ने कितनी जगह घेरी है उसको हम मेजर करते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर में, क्यूबिक मीटर में। अब मीटर का सिंबल क्या होता है, ठीक है, मीटर का सिंबल क्या होता है, एम। अब जब इसके ऊपर छोटा सा 3 क्यूब लग जाएगा तो हम इसे कहेंगे मीटर क्यूब। क्या कहेंगे हम इसे, मीटर क्यूब। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम को हम किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में, साथ ही साथ मिलीलीटर्स को ml। ठीक है, एंड लीटर्स और लीटर्स को l से शो करते हैं। अब आप कहेंगे कि नॉर्मली लीटर्स या मिलीलीटर्स वगैरह जो है वो लिक्विड्स चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे मिल्क हो गया, जैसे वाटर हो गया, जैसे जूसेस वगैरह हो गए। तो जी हाँ, मैटर की भी तो 3 स्टेट्स होती हैं ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो ये मिलीलीटर और लीटर्स लिक्विड्स को मेजर करने के लिए, कि लिक्विड्स ने जैसे सपोज़ ये मिल्क का है एक कार्टन। ठीक है, अब इसने कितना लीटर होल्ड किया हुआ है इसके अपने अंदर मिल्क, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 लीटर। इसका मतलब लीटर जो यूनिट है वो किसके लिए, कि लिक्विड ने कितना वॉल्यूम किसी भी चीज़ में ऑक्यूपाई किया हुआ है, कितनी जगह उसने घेरी हुई है, तो लिक्विड के लिए हम यूज़ करते हैं लीटर, 1 लीटर मिल्क। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर बीकर है, ठीक है, और बीकर और मेजरिंग सिलेंडर है। ठीक है, अब अगर हम इस बीकर से लिक्विड को इस मेजरिंग सिलेंडर में डालेंगे तो ये मेजरिंग सिलेंडर क्या बताएगा हमें, ये हमें लिक्विड बता देगा कि लिक्विड कितनी अमाउंट में है। ठीक है, ये देखें आप, ये है मेजरिंग सिलेंडर, इसके अंदर लिक्विड गया हुआ है, तो लिक्विड
को लिक्विड की जो है वो लिक्विड को आइडेंटिफाई कर रहा है कि कितना जो है वो कितनी अमाउंट में या कितना वॉल्यूम है लिक्विड का यहाँ पर, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन दिस मेजरिंग सिलेंडर इज 36 ml, 36 ml मतलब के मिलीलीटर, 36 मिलीलीटर। तो लीटर और मिलीलीटर नॉर्मली यूज़ करते हैं लिक्विड्स को मेजर करने के लिए, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मिलीलीटर्स एंड लीटर्स आर द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। व्हाट इज़ वॉल्यूम, ठीक है। द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वॉल्यूम। किसी भी ऑब्जेक्ट ने, किसी भी मैटर ने कितनी जगह को घेरा हुआ है उसे उसका वॉल्यूम कहते हैं, और वॉल्यूम के यूनिट्स होते हैं सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मिलीलीटर एंड लीटर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग को समझ आया होगा कि मैटर जो है वो उसका मास तो होता ही है, साथ ही साथ वो जगह को भी घेरता है, ठीक है। अपनी कॉपी वर्किंग को समझ लेते हैं। कॉपी वर्किंग में है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। व्हाट इज़ मैटर मेड ऑफ, मैटर कैसे बनता है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर बहुत छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनता है जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर नॉन मैटर ऑब्जेक्ट्स। नॉन मैटर ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। मैटर तो अब हमें पता है कि हर वो चीज़ जो जगह घेर रही है और जिसका वजन भी है वो मैटर है। अब नॉन मैटर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। थिंग्स दैट डू नॉट हैव मास और ऑक्यूपाई द स्पेस आर नॉन मैटर। वो चीज़ें जो जिनका मास नहीं होता और जो जगह भी नहीं घेरती वो नॉन मैटर कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट, हीट एंड साउंड आर द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ नॉन मैटर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। लाइट, रोशनी, हरारत और आवाज़ ये सब नॉन मैटर ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये ना तो जगह घेरती हैं और ना ही उनका कोई वेट होता है, ठीक है। काइंडली बहुत साफ़ सुथरी वर्किंग करेंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।